खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर लॉकडाउन के बीच जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए एकजुट हो रहे लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जबकि पुलिस कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ एकत्रित होने से रोकने का प्रयास कर रही थी, वहीं हमले में दो पुलिसकर्मी और एक एलआईयू कर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं घटना के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मामले को लेकर एसपी अमरेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए समय यहां पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।